नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीओ ने देश का सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ कानपुर नगर के तत्वाधान में आज दिनांक 21 जनवरी 2020 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कानपुर के प्रांगण में जनपद के समस्त विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी के साथ सामूहिक अवकाश पर रहकर शिक्षकों ने सरकार की दमनकारी नीति एवं शिक्षक विरोधी काले कानूनों व शिक्षकों की लंबित 17 सूत्री मांगों के समर्थन में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में श्री हेमराज सिंह गौड़ प्रांतीय महामंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में बदलाव तथा धारा 21 की समाप्ति पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के प्रति किए खिलवाड़ के विरुद्ध शिक्षकों को जागरूक करते हुए सरकार को चुनौती दी है। यदि धारा 21 को पुनः स्थापित कर शिक्षकों की सेवाएं सरकार द्वारा सुरक्षित नहीं की गई तो वह एक विशाल आंदोलन खड़ा करके शिक्षकों को जेल से भरेंगे। आज कार्यक्रम क्या किस दर्दना है? सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को के संबंध में यहाँ पर 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें माध्यमिक की धारा 18 को समाप्त करना और हमारे प्राथमिक में 1 से 8 तक के विद्यालयों में जो प्रेरणा एप जो लागू किया गया है वो मुख्य समस्या है। इसको तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और उसमें प्रधानाध्यापक की जैसे पदों की समाप्ति, विद्यालयों के सविलियन कर देना, ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं और 3 वर्ष से लगातार पदोन्नतियां न करना, ये इस तरह की हमारा 17 सूत्री मांग पत्र है। वो 17 सूत्री मांग पत्र के कारण आज हमारे पूरे प्रदेश में जनपद मुख्यालयों पर इस तरह के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये धरना आंदोलन का ये 5वां चरण है और आगे प्रांतीय नेतृत्व तो जैसा निर्देश करेगा उसको आगे अगले चरण की इस तरह की कार्रवाई। आज धरने के उसका थोड़ा सा बताइए किस तरीके का धरना है? उत्तर प्रदेश महासंघ के नेतृत्व में धरना हो रहा है। हमारी 17 सूत्री मार्गें थी, उस 17 सूत्री मांगों के तहत हमने इको पार्क लखनऊ में 4 लाख शिक्षकों के साथ धरना दिया था। सरकार से वार्ता हुई, सरकार ने वार्ता कुछ तमाम सारी बातों को एक्सेप्ट किया, लागू तो किया नहीं बल्कि विधानसभा विधान परिषद हमारी सेवा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के विधेयक ले आए और पास भी कर लिया। इसलिए आज आंदोलित शिक्षक पूरे प्रदेश का उन केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में धरना हो रहा है। आगे अगले जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा वो हम लोग पूरा करेंगे। इसके बाद क्या आपका रुख रहेगा वो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा।